के द्वारा नियोजन नीति और यहाँ के स्थानीय लोगों का नौकरी को लेकर के लगातार कई फिजिकल और डिजिटली आंदोलन सफल होने के बावजूद, सरकार से कई दफा वार्ता होने के बावजूद, अंतर्गतवा यहाँ एक ऐसा नियोजन नीति ला कर के विज्ञापन निकाला गया जिससे पूरा भारतवर्ष को आमंत्रित किया गया। हम लोग इसको भली भांति समझ लिए हैं कि इससे झारखंडियों को नौकरी किसी भी हाल में कितना पढ़ने लिखने से नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है आनंद फानन में कि कल यानी 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को पुराना विधानसभा शहीद मैदान के समक्ष पूरे झारखंड के छात्र एकत्रित होंगे और वहां से अधिकार यात्रा करते हुए नए विधानसभा परिसर तक जाएंगे और हम मांग करेंगे कि हकमार नियोजन नीति 60-40 वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करिए और जब नियोजन फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म के साथ यहां के स्थानीय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरा जाए और साथ ही साथ यहाँ के जो भी भाषा संस्कृति रीति रिवाज तमाम चीज़ों को उम्र सीमा को छूट देते हुए जो उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक विधेयक कानून भी पास करते हुए यहाँ परीक्षा लिया जाए। चूंकि अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ खाली पड़ा हुआ है 3.5 से 4 लाख, उसका बर्बाद न किया जाए। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब तक जो भी सरकार की तरफ से आदिवासी के ऊपर निर्णय लिए गए हैं वो सिर्फ एक छलावा है, एक राजनीति है? आदिवासी मूलवासी के हित में कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं, विरोध में निर्णय लिए गए हैं। तभी तो जब विज्ञापन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का धड़कन रुक रहा है, हम लोग का दिमाग काम करना रुक रहा है, हम लोग का नींद नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत गंभीर परिस्थिति से जूझ रहे हैं। एक एक सेकेंड कटने में लग रहा है मानो हम लोग के ऊपर वज्रपात हो रहा है, इतना दुर्भाग्य जैसा नीति आ रहा है, ये नीति कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो जब विज्ञापन निकला कल, जो वार्ता हुई थी वो विज्ञापन पे दिखा नहीं, जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं, तो हम अपने जीते जी अपने हौसों आवासों में इस कदर झारखंड को लूटने कटते मरते नहीं देखना चाहेंगे, यहाँ की भाषा संस्कृति को इस कदर हमला देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, हमको तो गिल्टी फील होता है कि हम लोग का जीते जी यहाँ के भाषा संस्कृति यहाँ लूट रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। इससे बढ़िया कि हम लोग का मौत हो जाए उसके बाद झारखंड का इस दुर्दशा हो। आने वाला भाषा देख रहे हैं, यात्रा के लिए आप लोग पहले घोषणा किए, फिर आप लोग को आश्वासन मिला कि नहीं मत करो, आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा, आश्वासन मिला। तो क्या लगता है इसमें आश्वासन उचित छला गया है, छलने के लिए बुलाया गया था, अब आप लोग फिर से उसी दिशा पर आए हैं अधिकार यात्रा करने का आगे बढ़? क्योंकि हम लोग एक छात्र है, शुद्ध रूप से छात्र आंदोलन, जो समाधान के लिए जहाँ वार्ता की बात होती है तो वार्ता भी करते हैं, और जब छात्र को ठगा जाता है, धोखा दिया जाता है, तो आंदोलनकारियों की तरह उग्र रूप से आंदोलन के लिए भी तत्पर रहते हैं। और जब आंदोलन कर रहे थे तो यही सरकार जो कहती थी बार बार आंदोलन के दौरान में कि लोग विपक्ष के प्रायोजित है, तो विपक्ष के प्रायोजित है, तो हम लोग विपक्ष के प्रायोजित कहाँ हैं? हम तो वार्ता कर रहे हैं सरकार से, हम तो आंदोलन को भी रोक दिए सरकार से उम्मीद, हम तो शुद्ध रूप से झारखंड छात्र हैं। अब छात्र करेगा तो क्या करेगा दादा? हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहता है विपक्ष के पराजित है, और जब हम लोग वार्ता करते हैं तो कहते हैं कि सरकार का आदमी है। दादा, तो कल का निर्णय जो भी स्थगित किया जाएगा, कोई भी हाल में नहीं होगा, या तो अर्थी निकलेगा, जेल में होंगे, जहां होंगे, लेकिन कोई भी कीमत पे कल कोई स्थगित नहीं होगा कार्यक्रम। एक अंतिम सवाल आपसे, अगर जरूरत पड़ी संख्या बल दिखाने की तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग संख्या बल दिखाएंगे, संख्या बल तो दिखा ही रहे, कल पूरे राज्य से आह्वान कर रहे हैं छात्रों को और बार बार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आनंद फानन में अपील किया जा रहा है, लेकिन आना है, क्योंकि हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज जो होता है बोल के नहीं आता है, रातों रात होता है, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो उसी प्रकार अभी आह्वान कर रहे हैं, कल पहुंचना है, चाहे साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, पलामू, चतरा, कोडरमा, कहीं के भी हो, कितनों दूर जिला के हो, हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे बाइक हो, साइकिल हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो, किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो, चाहे ट्रेन हो, हर परिस्थिति में कल पहुंचना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।